ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है, द इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम। ये एक ट्रेपीजियम है, इसकी नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? ये तो पैरेलल वाली है, ये नॉन पैरेलल है, ये आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए अपोजिट एंगल का सम कितना दिखाना होता है? 180 डिग्री। अगर कोई भी सर्कल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो हम क्या कहेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये आपको यहाँ प्रूफ करना है। तो देखिए आप कैसे प्रूफ करेंगे। सपोज दैट इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी डी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ। किसके पैरेलल? ए डी के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, सपोज दैट बी ई, ठीक है। ये समझ आया आपको? मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी बी ई, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए डी सच दैट बी ई इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। मैंने एक ऐसी लाइन खींची है यहाँ पर जो क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है इसके, ठीक है। ओके, ए डी इक्वल बनाया है मैंने किसके, बी ई के। कैसे बनाया है? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बट उसने क्वेश्चन में कहा है ए डी इक्वल है बी सी के, नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल गिवन है, तो ए डी किसके इक्वल गिवन है? बी सी के। ये क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है। ए डी बी ई के भी इक्वल है, ए डी बी सी के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसलिए बी ई इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ये समझ आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल कैसे आ गए? ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल बी सी की अब बात करें, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इनका कुछ नाम रख देता हूँ, 1 और 2, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? ओके, तो एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के। ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, नाउ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम रख रहा हूँ 3 और 4, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है कितना एंगल बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों है? सब जानते हैं ये क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, या एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने प्रूफ किया है। फिर से एंगल 1 और 4 का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 को हम एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए बी डी ई क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल रहे होंगे। ये क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 को एंगल 2, एंगल 4 को एंगल 3 लिख दिया आपने। तो इससे आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना रहा होगा? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये कैसा है? इट इज साइक्लिक, ठीक है। इसलिए ये कैसा है? साइक्लिक, ठीक है। एक बार फिर से समझिए कैसे करना है। ये एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। ए बी सी डी में हमने क्या किया, यहाँ एक पैरेलल लाइन खींची सच दैट ये इक्वल भी है इसके और पैरेलल भी है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। ओके, अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ बनने वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके भी, ये क्वेश्चन में गिवन है, नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपस में, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। अब 1 और 4 मिलकर कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री।
4 की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 1 की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक ट्रेपीजियम या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।